वेलकम एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चारकोल नोज स्ट्रिप्स का रिव्यू एंड डेमो, जो है फ्रॉम ब्रांड अर्बन मैक। एंड इसको बाय करने के पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। मैंने आज से कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर करी थी, विच इज प्रिवेदा चारकोल नोज स्ट्रिप्स, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे जाके देख सकते हैं। सो मैंने प्रिवेदा चारकोल नोज स्ट्रिप को फ्लिपकार्ट से बाय किया था, अगेन बाय मैं उसको कर रही थी, एंड बाय मिस्टेक मुझे रिसीव हो गया अर्बन मैक का चारकोल नोज स्ट्रिप्स। सो मैंने सोचा कि चलो अब न्यू प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गया है, तो क्यों ना इसका रिव्यू एंड डेमो आपके साथ शेयर किया जाए, इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू एंड ऑनेस्ट डेमो। एंड इस प्रोडक्ट में 10 स्ट्रिप्स आती हैं, जिसमें से 3 मैंने यूज कर ली हैं ऑलरेडी, एंड उसी के बाद आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये प्रोडक्ट इस टाइप से नॉर्मल कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में आता है, जिसके फ्रंट पे लिखा है अर्बन मैक क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स, एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड क्लिनिकली टेस्टेड। सो इसके नीचे साइड पे लिखा है पेनलेस एंड इंस्टेंट रिमूवल ऑफ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ऑयल एंड डर्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ऑयल एंड डर्ट को रिमूव करता है, जिसके अंदर आपको 10 स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। सो इसमें बेसिकली 5 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है थ्रूली क्लीन द फेस विथ वॉटर, इंश्योरिंग दैट द स्किन इज फ्री फ्रॉम एनी कॉस्मेटिक्स और अदर स्किन ट्रीटमेंट्स, यानी कि आपने अपनी स्किन को पहले पानी से साफ करना है। मेक श्योर कि आपकी स्किन पे मेकअप या फिर किसी भी टाइप्स का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स वाले प्रोडक्ट ना लगे हों। सेकेंडली वेट नोज एरिया थ्रोली विथ क्लीन वॉर्म वाटर, प्लीज नोज स्ट्रिप विल नॉट एडियर इफ स्किन इज ड्राई। ओके, यानी कि अगर आपकी स्किन आपने इसको यूज करने के लिए पहले अपनी स्किन पे वार्म वाटर अपनी अप्लाई करना है, यानी कि अपनी नोज पे गुनगुना पानी आपने अप्लाई करना है, देन आपने अगर आपकी स्किन पे वाटर नहीं होगा तो आपकी नोज पे स्टिक नहीं करेगा अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो। एंड इसका थर्ड स्टेप है विथ ड्राई हैंड्स ओपन द नोज स्ट्रिप सैशे एंड पील द स्ट्रिप अवे फ्रॉम द लाइनर, यानी कि उसके बाद थर्ड स्टेप ये कि आपने अपनी वेट नहीं होने चाहिए आपके हाथ, यानी कि आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, आपने अपनी ड्राई फिंगर से स्ट्रिप्स को पील करना है, इसकी जो शीट आती है उसको पील करना है। देन इसका फोर्थ स्टेप है अप्लाई द स्ट्रिप विद द शाइन साइड डाउन ऑन द नोज टेकिंग केयर टू स्मूद आउट एनी बबल्स और क्रीजेस, और इसमें जितने भी स्टेप दिए गए हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डेमो वीडियो में शेयर करूंगी। सो आपने इसको केयरफुली निकालना है नोज स्ट्रिप को, एंड अलो द स्ट्रिप टू ड्राई नेचुरली फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स, एंड देन केयरफुली स्टार्ट टू पील द स्ट्रिप ऑफ फ्रॉम द टू एंड्स टूवर्ड्स द मिडिल इफ द स्ट्रिप इज टू फर्मली अटैच्ड और इज पेनफुल टू रिमूव वेट द एरिया थ्रोली अंटिल स्ट्रिप इज इजी टू रिमूव। यानी कि फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने इसको नेचुरली जो एयर होती है उससे ड्राई करना है फॉर 10-15 मिनट, एंड जब ये ड्राई हो जाए तो आपने एक साइड से इसको पील करना है, स्टार्ट करना है। ओके, और अगर ये बहुत टाइटली स्टिक हो जाए और रिमूव करने में बहुत ज्यादा पेन हो, देन आपने इसको वाटर की हेल्प से इसमें अप्लाई करना है वाटर, उसके बाद आपने इसको पील करना है। सो इट मीन्स आपने इसको केयरफुली यूज करना है। ओके, सो इसके नीचे भी दिए गए हैं कॉशंस। सो इसके कॉशन में दिया गया है कि आपने इसको अपने नोज एरिया में ही अप्लाई करना है सिर्फ, अगर बाय मिस्टेक आपके अंडर आईज एरिया पे लग जाए तो आपने इसको अच्छे से रिमूव कर लेना है नॉर्मल वाटर की हेल्प से, और एक दो टाइम में आपने इसको वीक में 1-2 बार यूज करना है इस नोज स्ट्रिप को। ओके, एटलीस्ट आपने 3-3 दिन का तो गैप रखना ही रखना है, एंड डू नॉट यूज इफ यू हैव प्रीवियसली सफर्ड एन एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम अ स्ट्रिप टेप और फेस मास्क प्रोडक्ट इन द पास्ट। अगर आपकी स्किन में कुछ फेस मास्क यूज करने से आपकी स्किन इरिटेट हो गई है, या फिर अगर आपको नोज स्ट्रिप सूट नहीं कर रही, तो आपने इसको देन यूज बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशन विच कैन अफेक्ट योर स्किन और इफ यू सफर फ्रॉम अ स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि आपको स्किन रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर चल रहे हैं या फिर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है इसको यूज नहीं करने के लिए, देन आपने इसको यूज नहीं करना है। बट एक बार अगर आपकी स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसर्न इसके बारे में कर लेना। ओके, सो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं, बच्चों से इसको दूर रखना है, देन ये शैसे जो है आपने इसको अच्छे से केयरफुली ओपन करना है,
स्टिक करना है। यहाँ पे इसकी 5 स्टेप्स के यहाँ पे इमेजेस भी इसमें शो की गई हैं, जो स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी। आप वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से चेक कर लेना। सो, इस प्रोडक्ट में बस इतनी ही चीजें मेंशन की गई हैं। सो, अब इसको ओपन करते हैं एंड लेट्स सी इसके अंदर की स्ट्रिप्स। इस टाइप से प्लास्टिक शीट में ये नोज स्ट्रिप्स आती हैं, आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 10 शेशे हैं, जिसमें से 3 मैंने यूज कर लिए हैं इसके कुछ इस टाइप से। एंड इसको अब ओपन करते हैं और मैं आपको मतलब दिखाती हूँ एक स्ट्रिप को कि स्ट्रिप किस टाइप से होती है। सो, नॉर्मली जैसे अदर स्ट्रिप्स आती हैं मार्केट में, उस टाइप की स्ट्रिप ये होती है लाइक दिस। एंड इसका शेप काफी प्रॉपर है, आपकी नोज में काफी अच्छे से प्रॉपर शेप में स्टिक हो जाएगा। एंड इसमें रेकमेंड किया है कि आपने ये शीट को रिमूव करना है, ओके, ये व्हाइट साइड को आपने अलग करना है एंड शीट को अलग करना है इस टाइप से। इसको यही है यूज करने का तरीका। एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का डेमो। फ्रेंड्स, अब मैं यूज कर रही हूँ अर्बन मैक क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स। एंड आपने ना ड्राई हैंड से नोज स्ट्रिप को रिमूव करना है सैशे में से एंड देन इसकी शाइन शाइड को पील करना है अच्छे से अपने ड्राई हैंड से, अदरवाइज ये हाथों में स्टिक हो जाएगा। और फिर अगर आपने नोज पियर्सिंग करी है तो उसको अच्छे से रिमूव कर लेना। उसके बाद आपने लुकवॉर्म वाटर अपनी नोज में अप्लाई करना है, यानी कि गुनगुना पानी, ताकि नोज में जितने भी क्लॉक्ड पोर्स है वो अच्छे से ओपन हो जाए। एंड इससे क्या होगा ना कि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और फिर नोज स्ट्रिप को अच्छे से केयरफुली स्टिक करना है, देन वेट करना है फॉर 10 मिनट्स। सो आफ्टर 10 मिनट्स आपने इसको अच्छे से रिमूव करना है, लाइक आपने ना दोनों फिंगर्स में से अपनी स्किन को ऐसे खींचना है ताकि ये जो नोज स्ट्रिप है वो खुद ही रिमूव हो जाए। एंड आपने धीरे धीरे से इसको रिमूव करना है। इन केस अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है इसको रिमूव करना, देन आपने क्या करना है, इसमें वाटर आप अप्लाई कर लेना, पानी लगा लेना, उसके बाद इसको अच्छे से रिमूव कर लेना। एंड चारकोल नोज स्ट्रिप के जो रिजल्ट्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगे, काफ़ी अच्छे से रिमूव कर लेता है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को। उसके बाद आपने आइसिंग करनी है अपने नोज एरिया में, ताकि जितने भी हमारे ओपन पोर्स हो गए थे ना वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाए। फिर इसको एक क्लीन कपड़े की हेल्प से, टॉवल की हेल्प से आपने उसको क्लीन कर लेना है, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है आपने। सो फ्रेंड्स, ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। एंड बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक, यानी कि इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड ये प्रोडक्ट को जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया ना, इट वॉज लाइक इट वर्क्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करता है। नोज स्ट्रिप आपके नोज से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ऑयल एंड डर्ट को काफी अच्छे से क्लीन कर लेगा। एंड आपको अपना नोज एरिया काफी स्मूथ, काफी सफल एंड काफी शाइनी आपको फील होगा अपना नोज, अपनी नोज आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होगी। एंड ये साइड्स में, कॉर्नर्स में जितने भी ऑयल डर्ट, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होता है सबको काफी अच्छे से रिमूव करता है। एंड ये प्रोडक्ट आफ्टर ऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये प्रोडक्ट हालांकि मुझे बाय मिस्टेक रिसीव हुआ, बट ये प्रोडक्ट से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मतलब ये प्रीवेदा चारकोल नोज स्ट्रिप्स की तरह ही वर्क करता है, काफी अच्छे से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। बट डेफिनेटली एक चीज जरूर रेकमेंड करूंगी कि पहले आप इसको ना अपनी स्किन पे इधर साइड पे छोटा सा इसका पीस काट के ना यहाँ पे अप्लाई करना पैस टेस्ट के लिए। अगर आपको सूट करे देन आप इसको अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन वगैरह कुछ हो ना, देन आप इसको बिल्कुल भी यूज मत करना। आफ्टर ऑल मेरी स्किन को काफी अच्छे से सूट किया, हालांकि मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन टू ड्राई विथ लिटिल बिट सेंसिटिव, बट फिर भी आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छे से सूट किया। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।